हेलो एवरीवन, श्रीमती महरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के जिस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पूंजी लागत का हमारा दूसरा टॉपिक है। और पूंजी लागत में हम इसे जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो इसको कहते हैं केपी, पूर्वाधिकार अंशों की लागत के रूप में इसे हम समझते हैं। और शॉर्ट में जो इसका नाम है वो केपी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं वो है डी प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन माइनस सॉरी अपॉन एम वी प्लस एन पी अपॉन टू। इसका जो फॉर्मूला है वो जो ऋण पूंजी की लागत थी उसी के समान ही है। उसमें आपने यहाँ देखा था, यहाँ इंटरेस्ट रेट लिखते थे, इसमें बस डिविडेंड लिखा जाता है, बस अंतर इतना सा ही है और उसी के जैसा है। बट इसमें और उसमें एक अंतर है कि वो बिफोर टैक्स था और ये आफ्टर टैक्स है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर है उसके बदले जो आयकर की दर से जो डिविडेंड चुका जाता है उस पर आयकर नहीं लगता है, उसको आयकर की श्रेणी में जो खर्चे के रूप में नहीं मानते, तो इसलिए ये जो वैल्यू आती है ये आफ्टर टैक्स ही आती है, क्योंकि जो डिविडेंड को आयकर की दृष्टि से स्वीकार्य खर्चा नहीं माना है, इसलिए तो ये आफ्टर टैक्स ही होता है। आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स यदि हमें निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा केपी बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा केपी आफ्टर टैक्स इंटू वन अपॉन वन माइनस टी, टी टैक्स रेट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमें फॉर्मूला लगाते हुए हमें इसको बिफोर टैक्स हमें निकालना होता है। दूसरी बात, ये सभी शोधनीय होते हैं, अशोधनीय जो ऋण जो ये आप प्रेफरेंस शेयर है ये नहीं होते हैं, क्योंकि इनको जारी नहीं किया जाता है। आपने डिबेंचर में देखा था अशोधनीय को भी जारी किया जाता है लेकिन इनका जारी करना नहीं होता है, तो इसलिए अशोधनीय प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं किए जाते हैं, केवल शोधनीय ही होते हैं। इनकी कंडीशन भी वैसे ही होती है, एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे और सम्मूल्य पे इनको जारी किया जा सकता है। तो एक हमने क्वेश्चन लिया जिसे आप समझ पाओगे कि ये तीनों कंडीशन किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। बाकी चीज़ें सारी सेम है, डिविडेंड हो जाएगा, एम वी मेच्योरिटी वैल्यू होती है और ये नेट प्रोसीड्स है, जैसे कि हमने डिबेंचर में हमने निकाली थी नेट प्रोसीड्स, वैसे ये सेम, कोई चेंज नहीं है और बाकी सारी चीज़ें लगभग वही है। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए जिससे हम समझ पाए कि सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन लिया 100 रुपये वाले, 10% डिविडेंड है इनका, 1000 प्रेफरेंस शेयर है, तो 1000 को 100 रुपये से गुणा करते हैं तो इनकी वैल्यू हो जाती है 1,00,000। टोटल वैल्यू इनकी हो गई 1,00,000। 10% इनका जो डिबेंचर है तो वो हो जाएगा, सॉरी जो डिविडेंड है तो वो हो जाएगा 10,000। निर्गमित करना चाहती है कंपनी, शोधन 10 वर्ष बाद होगा तो एन है नंबर ऑफ जो मेच्योरिटी का है वो हो गया 10, ये एन की जगह आ जाएगा 10। निर्गमन व्यय इसके दे रखे हैं अभिगोपन कमीशन दलाली और छपाई के, इनके तो परसेंट दे रखे हैं और इनके टोटल वैल्यू दे रखी है। तो 1,00,000 के यदि बात करें 2% तो 2,000, 1% होता है तो 1,000। तो इस तरीके से 2, 1 और 1 मिला करके टोटल जो खर्चा है इनका, जो इश्यूइंग कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं निर्गमन व्यय, वो 4,000। टैक्स रेट 30% दे रखे है। तीन कंडीशन है, सम्मूल्य पे 5% बट्टे पर और 10% प्रीमियम पर। तो इनका फ़र्क है जो नेट प्रोसीड्स पे पड़ता है, तो हम नेट प्रोसीड्स यही निकाल देते हैं। बाकी इन्हीं फॉर्मूलों के द्वारा हम तीनों तरीके से ये क्वेश्चन है जो बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स करते हैं। तो सबसे पहले मैं एनपी निकालता हूँ, नेट प्रोसीड्स सबसे पहले सम्मूल्य पे, सम्मूल्य पे
इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है। इसमें एक चीज़ और है जिस पर हम बात करना थोड़ा सा ज़रूर करनी चाहिए बात, के एक तो हम इसकी टोटल वैल्यू से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, दूसरा इसकी जो शेयर की एक शेयर की वैल्यू इससे भी हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इससे करते हैं तो आंकड़े हो जाते हैं बड़े, और इससे करते हैं तो आंकड़े हो जाते हैं छोटे। तो मैं आपको केवल सममूल्य पे दोनों ही तरीके से करके दिखाता हूँ, उसके बाद में आगे का हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे सममूल्य पे, यदि हम टोटल वैल्यू ले लेते हैं तो एमवी इसका हो जाता है 1,00,000, और एनपी हम निकाल लेते हैं, एनपी ये होती है फेस वैल्यू माइनस इश्यूइंग कॉस्ट। एट पर यदि निकालते हैं, समूल्य पर निकाल इसको एट पर बोलते हैं, तो नेट प्रोसीड्स फेस वैल्यू में से केवल हमें इश्यूइंग कॉस्ट घटानी है। तो फेस वैल्यू इसकी है 1,00,000 माइनस इश्यूइंग कॉस्ट थी, जो हम ये टोटल करें इसका तो ये 2% 1,00,000 का होता है 2,000, और 1% होता है 1,000, 1,000 ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाते हैं 4,000। तो इस तरीके से इश्यूइंग कॉस्ट होती है इसकी 4,000। तो नेट प्रोसीड्स जो आएगी वो आएगी 96,000, 96,000 इसकी नेट प्रोसीड्स है जो आती है। तो इस तरीके से हमने नेट प्रोसीड ले लिए। अब यदि ये तो बड़े रूप में इसको कर रहे हैं तो वो कंडीशन है। अब मैंने बताया कि आपको छोटे रूप में भी कर सकते हैं। तो इसकी जो एमवी है इसकी जगह इसकी जो वैल्यू है शेयर की जो वैल्यू है 100 रुपये है वो ले लेते हैं हम। एमवी की जगह हम ले लेंगे 100, एनपी निकाल लेते हैं 100 में से इसका जो कॉस्ट है वो है, तो ये 1,000 1% ही है 1,00,000 का, तो इसलिए ये हम इसको 1% के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ हम 1% इसको कर देते हैं, तो 2 1 1 यूँ करके तो टोटल 4% हो गया है। ये इसकी जो निर्गमन का जो खर्चा है वो कितना है, 2% 1% और 1,000 जो 1,00,000 का कितना 1% ही होता है, तो इसलिए ये 2 1 1 मिलाकर के 4% हो गया है। तो एनपी निकालेंगे तो उस कंडीशन में एनपी निकाल देते हैं, ये आ जाएगा फेस वैल्यू माइनस इश्यूइंग कॉस्ट। तो फेस वैल्यू इसकी 100 रुपये मान लेते हैं और इश्यूइंग कॉस्ट है जो इसकी 4 रुपये आ जाएगी। ठीक है, 4% है तो 100 का 4 ही होता है, तो इस तरीके से ये आ जाता है 96। तो अब हम एमवी को 96 और एमवी को 100 मान के कर सकते हैं, दूसरा एक ये बड़े आंकड़े ये ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से निकाल के देख लेते हैं, अंतर कोई नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले हम 8 पर ही निकाल रहे हैं, तो 8 पर है जो सबसे पहले डिविडेंड देख लेते हैं। तो पहले इससे करते हैं बड़े वाले आंकड़े से, ये डिविडेंड है जो इसका 1,00,000 का 10% होता है 10,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 10,000 प्लस एमवी है 1,00,000 माइनस एनपी है 96,000 अपॉन एन है 10 वर्ष और इसके नीचे एमवी प्लस एनपी बटे 2, तो ये 1,00,000 प्लस 96,000 बट्टे में आ जाएगा इसके 2 × में यहाँ करना है आपको 100। तो इस तरीके से इसको हम आगे इधर बढ़ाते हैं। तो आंकड़े लिखने के बाद में जो इसकी जो चीज़ आ रही है हमारे सामने वो ये है 10,000 प्लस 1,00,000 में से 96,000 जाएंगे तो बच जाएंगे 4,000। 4,000 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 400। तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दें तो यहाँ 1,00,000 में से 96,000 के 4,000 अपॉन नीचे आ जाएगा 10,
तो 10 का भाग लगाएंगे तो 400 आएगा, हम 400 ही लिख देते हैं सीधा, तो इसको थोड़ा एक स्टेप क्या हो जाएगा, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 400 अपॉन, नीचे आ जाता है 100,000 और 96,000 हो गया, 100,096,000 में 2 का भाग लगाते हैं इंटू 100 कर देते हैं, इसको थोड़ा वैसे लिख देते हैं बट्टे 10 करके, अगली स्टेप में इसको क्लियर कर देंगे। ये आ जाता है फिर ये 400 और ये 10,000 होकर के ये 10,000 आ जाएगा 400, 10,000 और 400 नीचे इसका हम 2 का इसमें भाग लगाएं एक छिड़मे में तो ये आ जाता है 98,000 इंटू कर देते हैं 100 से, तो इसकी जो वैल्यू है हम कैलकुलेट कर कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के द्वारा, तो देखते हैं कितना आता है, तो कैलकुलेशन करने के बाद में आता है 10.61%। तो ये तो थे बड़े आंकड़ों से, अब थोड़ा हम छोटे आंकड़ों से भी इसी क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं आपको कि जब MVA हम इसकी जो है शेयर की वैल्यू के साथ कर लिया जाए, तो शेयर की 100 रुपये वैल्यू थी तो MVA की जगह हम ये लिखेंगे, यहीं लिख देते हैं आगे, देखिए आप इधर, तो आगे यहाँ लिखते हैं केपी, तो 10,000 की जगह तो हम 100 का ये डिविडेंड कितना हो जाएगा 10% 10 ही हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 प्लस ये MVA की जगह हम लिखेंगे 100 माइनस NPM निकाली थी 96 लिखेंगे अपॉन 10 नीचे 100 प्लस 96 ये हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 100, तो KP का मान है जो इसमें से इसको घटाएंगे 100 में से 96 घटाएंगे तो बचेगा 4, 4 में 10 का भाग लगाएंगे तो आएगा 0.4, तो ऊपर आ जाएगा 10, 10 में 0.4 जोड़ते हैं तो 10.4 आ जाएगा, नीचे 100 और 96 196 में 2 का भाग लगाएंगे तो जो आएगा वो आ जाएगा 98 98 इंटू 100, तो इस तरीके से इसको हम जब भाग लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो की वही सेम आ जाएगी जो कि हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये है 10.61%। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो, छोटा तरीका ये, इसमें आंकड़े बड़े नहीं होते, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, तो इसी तरीके से हमें करना चाहिए। तो ये है KD आफ्टर टैक्स, अब इनको मैं बिफोर टैक्स और करके आपको दिखाता हूँ, तो मैं एक को ही करूँगा केवल, इसी से मैं बिफोर टैक्स आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये आएगा। तो हमने फॉर्मूला तो लिख ही रखा है इधर, यही इसको हल कर देते हैं, KD बिफोर टैक्स, तो यहाँ फॉर्मूले में लिख देते हैं आफ्टर टैक्स कितना आया था, ये 10.61 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट थी 30%, तो 1 का 30% 0.3 ही होता है, तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यह आएगा 10.61 इंटू 1 अपॉन 1 में से गया तो ये 0.7 बच गया है, या इसको 1 का कोई मतलब नहीं है ऊपर की संख्या गुणा होने से, तो 0.7 का हम 10.61 में भाग लगाते हैं तो जो इसकी वैल्यू आती है वो है 15.16%। तो इस तरीके से ये KP बिफोर टैक्स है जो आ जाएगा। तो आपने आज एट पर यानी सम मूल्य पे इन क्वेश्चन को देखा कि किस तरीके से, और बड़े तरीके से भी करके देख सकते हैं, बड़ी वैल्यू लेकर के भी और छोटी वैल्यू लेकर के भी हम कर सकते हैं, दोनों से आंकड़े सेम ही आते हैं और किसी भी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है डिस्काउंट और जो प्रीमियम के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही है, तो अपने वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।